नमस्कार दोस्तों, ऑल इन वन टेक में आपका स्वागत है। पटवारी चयन परीक्षा 2017 पंचायती राज, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले अपलोड किया है, उसका आज भाग सेकंड अपलोड कर रहा हूँ। भारत में और मध्य प्रदेश में पंचायती राज भाग दो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें, पसंद ना आए तो डिसलाइक करें। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही है तो मैंने इसी में एक वीडियो ऐड किया हुआ है। आप अपने मोबाइल स्क्रीन के दाएं साइड में जाएंगे, वहाँ पर ऊपर तीन डॉट बने हैं, उनको टच करें और टच करने के बाद वीडियो की वहाँ पे क्वालिटी आती है। तो क्वालिटी को 144 की जगह 240 या 360, 480 जैसा लगे वैसा आप सेट कर लें तो क्वालिटी अच्छी मिलने लगेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, सरपंच व उप सरपंच को किस तरीके से हटाया जा सकता है, तो इसका आंसर है अविश्वास द्वारा। इसमें लास्ट क्वेश्चन जो है वो आएगा, दो तिहाई बहुमत होना चाहिए पंचों का, जिसके अविश्वास के द्वारा सरपंच और उप सरपंच को हटाया जा सकता है। ग्राम स्वराज योजना मध्य प्रदेश में कब लागू की गई, तो ग्राम स्वराज योजना 26 जनवरी 2001 से मध्य प्रदेश में लागू हुई है। राइट टू रिकॉल का अधिकार किसको दिया गया, तो राइट टू रिकॉल जनता को दिया गया। राइट टू रिकॉल होता यह है कि जो निर्वाचित व्यक्ति होता है, चाहे वह सरपंच हो उप सरपंच हो, उसे जनता चाहे तो अपने पद से मुक्त कर सकती है। मतदाता होते हैं तो मतदाता सरपंच, पंच, उप सरपंच और ग्राम की जनता होती है। राइट टू रिकॉल, जैसा कि क्वेश्चन आया था, राइट टू रिकॉल का प्रथम प्रयोग मध्य प्रदेश में कब किया गया, तो राइट टू रिकॉल का प्रयोग मध्य प्रदेश की अनूपपुर तहसील की पल्लविका पटेल को हटाने के लिए सर्वप्रथम किया गया था। जनपद पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है, तो जनपद पंचायत का गठन विकास खंड स्तर पर होता है। मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों की संख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत की जो संख्या है वो 314 है। और इससे पहले वीडियो में मैंने डाला था मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत की जो संख्या है वो 23,043, जनपद पंचायत की संख्या 314 है। जनपद पंचायत का सहयोजित सदस्य कौन होता है, तो जनपद पंचायत का सहयोजित सदस्य सहकारी बैंकों के अध्यक्ष जो है वह होता है। जिला पंचायत का कार्यकारी अधिकारी किस स्तर का होता है, तो जिला पंचायत का कार्यकारी अधिकारी एक IAS अधिकारी होता है। मध्य प्रदेश गठन के बाद राज्य में विधानसभा चुनाव कब हुए, तो मध्य प्रदेश जब बना उसके बाद 1957 में विधानसभा चुनाव हुए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, तो जब पंचायती राज भारत में लागू हुआ उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितनी आरक्षित सीट हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 1/3 अर्थात 1/3 सीट आरक्षित हैं। पंचायत समिति का सचिव कौन होता है, तो पंचायत समिति का सचिव प्रखंड विकास अधिकारी होता है। ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितने वर्ष का है, तो ग्राम कचहरी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। ग्राम पंचायत की बात करें, ग्राम पंचायत में सरकारी पदाधिकारी कौन होता है, तो ग्राम पंचायत में सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक होता है। ग्राम पंचायत के मुखिया का निर्वाचन किनके सदस्यों द्वारा होता है, तो ग्राम पंचायत के मुखिया का जो निर्वाचन होता है ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा होता है। ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत के मुखिया का निर्वाचन करते हैं। ग्राम परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सह सचिव कौन होता है, तो ग्राम पंचायत का जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो सह सचिव है वह उप विकास आयुक्त होता है। पंचायत समिति का मुख्यालय कहाँ होता है, तो पंचायत समिति का मुख्यालय प्रखंड में होता है। जैसा कि पहला प्रश्न आया था, सरपंच और उप सरपंच को किस तरीके से हटा सकते हैं, तो यही अंतिम क्वेश्चन आया है कि सरकार सरपंच को हटा सकती है, तो यदि 2/3 पंच सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दें, 2/3 यानी 2/3 कुल जो पंच हैं, जैसे ग्राम पंचायत में कुल पंच 10 से 20 हो सकते बताया था, मान लो यदि 18 पंच हुए तो 18 के 2/3 यानी 12, 18 गुणित 2/3 तो 12 पंच यदि
सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दें तो सरपंच को हटा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो को फिर अपलोड करते हैं, सभी विषयों पर आपको ये वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।